haploid male gamete that is the sperms and the haploid female gamete that is a ovum to form a diploid zygote that is called as a fertilization okay to ye raha definition of fertilization abhi sabko ek बात पे ध्यान देना है majority of students को पता होगा answer क्या है लेकिन फिर भी यहाँ पे ध्यान देना कि site of fertilization question आता है तो answer होना चाहिए ampulla region of the fallopian tubes okay

प्राइमरीली जो स्पम को मोमेंट के लिए मदद होती है वो होती है विद विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द यूटरस ओके एंड द फेलोपियन ट्यूब्स तो फेलोपियन ट्यूब्स एंड यूटरस जो है इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि स्पम्स को है ना फेलोपियन ट्यूब्स के डायरेक्शन में ढकेलते हैं ठीक है असिस्ट इन द स्पम मूवमेंट बट लेटर ऑन दे मूव बाय देर ओन मोर्टैलिटी बाद में क्या हो जाता है इनिशियल लेवल पे के एंड्रेक्शन मदद करते हैं फिर बाद में जो है वो स्पम्प अपनी खुद के मोर्लिटी को डेवलप करके फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है स्पम्प स्विम इन द फ्लूड मीडियम एट द रेट ऑफ वन पॉइंट फाइव टू थ्री एम एम पर मिनट तो ये उनकी स्पीड होती है ओके टू टू रीच द साइट दैट इज leukocytes of the vaginal epithelial

मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल ये बात तो हमको पता है ओके ड्यूरिंग द प्रोसेसेशन दिन डे ऑफ दिल्डर बायोपेन ट्यूब्रिय होते हैं ट्यूब्स का जो फिम्बरीय पार्ट होता है वो उस पर्टिकुलर ऊ साइड को कैच कर लेते हैं और उसको फेलोपेन ट्यूब्स के अंदर ले लेते हैं ठीक है एंड सेंड इट टू द फेलोपेट ट्यूब्स बायू कैन से बाय द एक्शन ऑफ और बाय द मोवमेंट ऑफ फिम्बरी

बट ओनली okay? एक एक के पास बहुत सारे sperm पहुंच गए होंगे लेकिन खाली एक ही स्पम्प जो होगा जो ऊ साइड के साथ फर्टिलाइज कर पाएगा ठीक है इज इन प्रोग्रेस जैसे ही स्पम्प सेकेंडरी ऊ साइड को टच करते हैं तो सेकेंडरी उड के अंदर जो मियोटिक डिवीजन है जो कि मियोसिस वन पे रुका था अब वो एक्टिवेट होके मियोसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के पीछे रहता है ठीक है सो द स्पॉन्स एंटर द सेकेंडरी उठ सेकेंड पोलर बॉडी ओके जो हम लोगों ने ओ जेनेसिस में सीखा था फाइन अभी बढ़ते हैं आगे एक और टॉपिक को लेके जिसका uh, एक्सप्लेनेशन है कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म्स स्पी द स्पर्म्स इन द फीमेल्स जेनाइटल ट्रैक्ट आर मेड कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द एग ठीक है दैट इज व्हाट द कैपेसिटी स्पर्म्स की कैपेसिटी बढ़ाना है सो दैट व्हाट विल हैपन दे कैन गो एंड द एग

तो एक्रोसोम के ऊपर कुछ स्टेरॉल्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स की लेयर होती है तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट की जो सिक्रीशन होती है इन स्टेरॉल्स एंड स्टेर को रिमूव करने का काम करती है सो so डेट एक्रोसोम का रिएक्शन करने का जो एक्टिविटी है वो जो लाइसिन हॉर्मोन रिलीज करने की जो एक्टिविटी है वो काफी अच्छे से परफॉर्म हो सके ठीक है दस द रिसेप्टर साइड ऑन द एक्रोजोम

इतना ही नहीं तो ये न्यूट्रेन मटेरियल थोड़ा बहुत भी मदद करता है एक्टिव होने के लिए अदर देन दीमेल जेनाइटल रीजन के जो सिक्रीशन्स होते हैं ओके okay?

तो तो बहुत सारे प्रोसीजर आएंगे जो आपके स्क्रीन पे पहला आ रहा है acrosomal reaction. Acrosomal reaction में क्या होता है आफ्टर ओव्यूलेशन दूस एड रीचेज ये बात तो क्लियर है कैपेसिटेटेड स्पर्म्स अंडर गो एक्मल रियक्शन एंड रिलीजेंट इन रीजन स्प के न्यूक्लियस केस ओके तो अब ये स्पमलाइसिंग सब्सटेंस होते क्या है तो सबसे पहला स्क्रीन पे आ रहा है देखो हाइलास एंजाइम नाउस एंजाइम एक्ट एज्राउंड मतलब होते हैं फॉर एग्जाम्पल कोरोना रेडिएटा विच इज मेड फ्रॉम दुलर सेल्स इल्स इनके बीच में हाइलोरिक एसिड होते हैं जिनको डाइजेस्ट करने के लिए हाइलिडेसिड मतलब hyaluronidase enzyme की जरूरत पड़ती है that will be digesting that particular acid. तो कोरोना रेडियो के सेल्स भी थोड़े से लूज पड़ने लगते हैं अब ये जो कोरोना रेडियो के सेल्स जो है लूज हो चुके हैं तो अभी इनको डाइजेस्ट करने का काम कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम करवा के देता है ओके द कोरोना रेडिएटा रेडियो जैसे कोरोना रेडिएटा की मेम्रेन डिजोल्व हो जाती है वी आर एंट्रिंग इन टू द एर या विच इज कॉल्ड एजनाइ एंजाइम जो कि क्या करेगा डाइजेस्ट करेगा जोना पेलुसिडा को जो कि ठीक कोरोना रेडिएटा के बाद प्रेजेंट होती है ओके okay, तो जोना लाइसिन एंजाइम जिसको एक्रोसिन भी कहा जाता है ये डाइजेस्ट करेगी जोना पेलोसिडा की मेम्ब्रेन को फाइन यहां तक क्लियर है अभी नोट क्या है देखो ऑप्टिमम पीएच चाहिए होता है कैल्शियम आयन चाहिए होते हैं मैग्नीशियम आयन चाहिए होते हैं ओके okay? इनका जो कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर जो होता है वो ऑप्टिमम होना चाहिए लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी जिसको जाती है वो है कैल्शियम वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्रोजोमल रिएक्शन अगर कैल्शियम ही नहीं रहेगा अगर कैल्शियम ही नहीं रहेगा तो फर्टिलाईजेशन की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी ओके सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द कैल्शियम इज नाउ लेट्स मूव अहेड देखो due to acrosomal reaction the plasma membrane of the sperms fuses with the plasma membrane of the secondary oocyte so that the sperms content enters the oocyte so much my okay. i the sperm kajobi content in the head region that will start entering into the oocyte बाइंडिंग ऑफ दू दूस डी आपको प्लाज्मा प्रिवेंट दॉलीस्पर्मी इट एंश्योर द मोनोस्पर्मी मतलब खाली एक ही स्पम्प जाएगा और ज्यादा मल्टीपल स्पम्प की एंट्री जो है वो ब्लॉक कर दी जाएगी ओके okay?

these enzymes harden the zona pellucida membrane which also prevents the entry of the additional sperm जिसको पॉलिसपरमी activity कहा जाता है ओके okay? तो वो activity को block कर दिया जाएगा समझ में आ रही है, है बात ओके okay? For example, let's see this diagram very clearly. मान लो ये सेकेंडरी ऊसाइट का डायग्राम है ये बाहर की कॉर्टेक्स लेयर और बीच का ऊ प्लाज्मा वाला लेयर ठीक है और कॉर्टेक्स जो है उसको हम लोग कहते हैं एक्सोप्लाज्म मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया है तो ये एक्सोप्लाज्म जो होता है ओवर हियर इसके पास ही कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं और इसी को टच करके हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं अब क्या होने लगता है कि विटेलाइन मेम्ब्रेन जो है ना ये जो एक्सोप्लाज्म है इससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेती है मतलब ऊपर के डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगती है मतलब इट राइजेस अप एंड दिसल ग्रेन्यूल्स गेट रिलीज इन टू दी विटेन स्पेस समझ में आ रही है प्लाज्मा स्पेस क्रिएट हो गए उस स्पेस के अंदर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को रिलीज कर दिया जाता है ओके जिसको प्री विटिलाइन स्पेस भी कहा जाता है तो वो जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है ये ऊपर जाके विटेल मेम्रेन के साथ जुड़ जाती है इन शॉर्ट प्लाज्मान के साथ फ्यूज हो जाते हैं ठीक है थीके? और क्या हो रहा है देखो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स आर अटैच टू द इनर साइड ऑफ द स ये होता है, कि को prevent करता है जो की अभी हम लोगों ने कॉर्टिकल रिएक्शन में समझ लिया है ठीक है नाउ लेट्स मूव अहेड विथ रेस्पेक्ट टू द स्पर्म एंट्री एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट विद द स्पर्म्स फर्टिलाइजेशन कौन कहा जाता है विच रिसीव द स्प ओके नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ पे समझ में आ जाएगा द प्रोक्सिमलट्रियल ऑफ द स्प डिवाइड इंटू द टू सेंट्रियोल्स टू उसके अंदर सेंट्र नहीं होते तो प्रोक्सीम सेंट्रो स्प के अंदर होता है वही सेकेंडरी उन्दर रिलीज कर दिया जाता है ताकि जो है वो बाद में स्प्लिट होके उसी से स्पिडल फाइबर फॉर्मेशन बन सके

टॉपिक कॉल्ड एज एक टॉपिक है यहाँ पे जो मैंने लास्ट में रखा है लेकिन उसको भी बता देता हूँ क्योंकि उसकी है, तो देखो उसका नाम है बाय द ओवम ओके और दूसरा जो होता है एंटी फर्टिलाइजिंग जो कि सिक्रिट किया जाता है बाय द स्पर्म्स मतलब आप लोग अगर देख रहे हो ये सेकेंडरी ओसाइट है ओके तो ये जो बीच में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो ये इस तरीके से structure जो center में present है, okay, है, है है, उनके ऊपर कुछ ये ये बताता है कि यहाँ पे जो जो आराम से fix कर पाएगा खुद को, उसी को उसी मिलने वाली है, okay, एग के साथ fuse होने की, जो भी जो भी अपना स्पम यहाँ पे अपना हेड को लॉक कर पाएगा जैसे कि लॉक इन की मैकेनिज्म होता है ना वैसे ही है तो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन होता है जो स्पम इस पर्टिकुलर फर्टिलाइजिंग uh, के साथ फिक्स हो जाएगा वो उस को एंट्री करने का मौका मिल जाएगा ठीक है तो इसका मतलब क्या है इट मेंटेन्स द यूनिकनेस ऑफ द स्पीशीज टू थिन आउट द नंबर ऑफ द स्पम्स दिस इज व्हाट द सिग्निफिकेंस ओवर हियर ओके अभी बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में अभी बाकी रखा है मतलब देखो ये कैरियोगैमी तो एंटी फर्टिलाइजिंग फर्टिलाइजिंग समझने के बाद अभी एक ही प्रोसीजर बचती है वो है कैरियोगेमी यानी एम्फी मिक्सिस जिसको कहा जाता है ओके एम्फी मिक्सिस का मतलब होता है कैरियोगेमी यानी न्यूक्लियर डिवीजन तो देखो कैसे होता है स्पर्म एंट्री स्टिम्युलेट सेकेंडरी यूसाइड टू कंप्लीट द सस्पेंडेड सेकेंड मियोटिक डिविजन ओके ना दे प्रोड्यूस अ हेप्लॉइड मैच्योर ओवम एंड द सेकेंड पोलर बॉडी ना the head of the sperm which contains the nucleus separate from the middle piece and the tail and becomes the male pronuclei and the polar body and the sperm tail degenerate the nucleus of the ovum is now called as a pro nuclei female pronuclei so male pronuclei female pronuclei will move towards each other and there is a fusion will be taking place mixing of the chromosome will be taking place i ban samajh before that nuclear membrane will also be disintegrate okay

So, sperm entry stimulates the metabolism in the zygote. As a result, see, as a result, the rate of cellular respiration and the protein synthase increases greatly. Okay. Besides this, activating the egg mother, see, egg, another role of the sperm is that carrying the DNA to the egg.

सो so ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री करके आएंगे ठीक है नेक्स्ट देखो फर्टिलाइजेशन इनिशिएट द क्लीवेज प्रोसेस यानी ठीक आफ्टर जायगोट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द क्लीवेज ओके क्लीवेज यानी क्या देयर इज अ यू कैन से मोरूला फॉर्मेशन ब्लास्टूला फॉर्मेशन ग्रास्टूला फॉर्मेशन एंड देन एम्ब्रियोजेनेसिस ये सारी प्रोसेस आगे होगी ठीक है

फर्टिलाइजेशन एक्टिविटी तो हमारा जो आने वाला लेक्चर रहेगा वो हमारा पोस्ट इवेंट्स रहेगा मतलब हम से पूरा में करना चालू करेंगे और एम्ब्रियो तक पूरी सारी बातें करेंगे उसके बाद फिर बचेगा हमारा पैसच्यूरेशन टॉपिक एंड द लैक्टोजेनेसिस टॉपिक है उसके बाद हमारा यह चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा कीप रीडिंग यूर एनसीआर टेक्स बुक दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ओके गो थ्रू ऑल टू एनसीआर डाइग्राम ऑल्सो Thank you very much. Bye bye.